खींचा सुरक्षित ढंग से कोर्टे जी तीसरे रेट
किया और चांदनी ने वो लेखक को स्वीकार किया कि मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार खड़े हूँ, आप आइए प्रहार कीजिए। अब पहला अंक बटोरा डिफेंस पर भरोसा, एक एक अंक के साथ दोनों टीम बराबर पर डोगर गढ़ एक अंक पर और ये सिलेक्टर्स डोगर कामनी का दो खिलाड़ी दो कार में बाहर जा रहे हैं, संतोषी और भुवनेश्वरी की वो जोड़ी दोनों कार्नर स्पेशलिस्ट बाहर हो गए, एक से बढ़कर चौथे अंक पर पहुंच गए उस मिस टेकर के बदौलत खेल छूट गया। इधर कावेरी का फिर एक बार शिकार ढूंढ लिया और पांचवे अंक पर पहुंच रहा है उस शिकार के बदौलत। दो खिलाड़ी और नवोदित खिलाड़ी इस समय मैच के ऊपर क्या रणनीति होगी उनकी, सामने के जिस तरीके उनके पास स्किल है मैच का, जिस तरीके से उनका नाम चल रहा है छत्तीसगढ़ के वो सबसे बड़े लीग की बात कहूँ या फिर राजनांदी प्रीमियर लीग की बात कहूँ, यहाँ से उनको जब तक आप बाहर उठा के नहीं रखेंगे। एक अंक बोनस का यहाँ से मीनाक्षी को सुप्रीम जरूर होगा, लेकिन उसके बाद वो आज आउट का भी तो मुख देखने पड़ेगा। लंबा लड़ाई चांदनी का सफल हो गया मैदान के ऊपर, आल आउट पर धकेल दिया है खेल के शुरुआत लगभग चार मिनट तीन मिनट के एक खेल में नौ अंक पर इस समय ऐसे में कौन से को सका के को सका की टीम और दो अंक पर डोगरगढ़ की टीम। आइए राज्य बॉयज सेक्शन से जानकारी लेते हैं। वोल्टेज इस समय छह और पांच के मुकाबले एक अंक लीड पर डोंगरगढ़ आ रहा है, थर्ड डोंगरगढ़ की हम बात कर रहे हैं और दूसरी ओर एलबी नगर एक अंक पीछे पा रहा है। राघव वर्मा और उनके साथी खिलाड़ी दो खिलाड़ी समय पहले पर विश्राम कर रहे हैं। शेखर के बदौलत इस समय सुनील का रिवाइवल जरूर हुआ है, लेकिन धनु स्ट्रगल के ऊपर है और बैक फुट हालन की है, लेकिन अभी भी समय है एक अंक ही पीछे पा रही है, एक कदम ही पीछे पा रही है उनकी टीम। यहाँ से आर आर पंथ पर डोंगरगढ़ वो लगातार स्ट्रगल के ऊपर जारी रखा है। अंतिम और मेगा मुकाबले में शेखर डुआ डाइट रेट के ऊपर नंबर चार की जर्सी के साथ बोनस अवेलेबल है इस समय शेखर के लिए। छह खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर दो दो पीछे नंदी के साथ, ये देखिए घेराबंदी टूट गई है और घेराबंदी टूटने के साथ साथ शेखर को एक अंक का इजाफा हो रहा है, मतलब लेवल अंक पर फिर से आ गया है मुकाबला। अंतिम और मेगा लड़ाई में अंतिम मुकाबले में दोनों टीमें कुछ इस तरह का मुकाबला खेल रही है, एक छोर पर आर आर पंथ डोंगरगढ़ दूसरे छोर पर एलबी नगर की टीम। बोलते जी जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर बनने का जो लड़ाई है बखूबी लड़ रहा है बॉयज सेक्शन में। आर आर पंथ डोंगरगढ़ भी गरज रहा है अपने कोर्ट के ऊपर, एलबी नगर उससे हार मानने वाला नहीं है, वो भी डेंजरस सफाई पर एलबी नगर भी गरज रहा है। छह अंक पर पंथर की टीम, डोंगरगढ़ की टीम, एलबी नगर की टीम छह अंक पर। महिला सेक्शन में दो बारह के मुकाबले हेलो, तो छह और छह के मुकाबले शेखर ने कॉर्नर केटर का शिकार सुनिश्चित किया नंबर चार की जर्सी के साथ, आकाश का शिकार किया नंबर सेवन के जर्सी के साथ। दो अढ़ाई का रेड युवराज के लिए नंबर तीन के जर्सी के साथ, युवराज इस समय राइट का रेडर है। एक समय कोर्ट पूरी खाली नजर आ रही थी एलबी नगर का, लेकिन उसकी भरपाई की उन्होंने रिवाइवल लिया और रिवाइवल लेने के साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट कही जाकर तो सात खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान हो चला है। दूसरी ओर वो चार कही डिफेंस है, तीन खिलाड़ी कोर्ट से बाहर है। शेखर लेग चलाया बड़ी तेजी के साथ, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है, अभी भी प्रयास जारी है शेखर का। राइट को रेडर है जहाँ डिफेंस कम है, और डिफेंस जहाँ कम हो मैदान के ऊपर तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है अंक जुटाने के लिए, और उसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस समय शेखर को। ये देखिए यहाँ से और वही क्या एलबी नगर नंबर चार के जर्सी के रेडर में शेखर ने आठ पर पहुंचा इस समय, एलबी नगर सात पर है इस समय डोंगरगढ़ आर आर पंथर की टीम। पोर्टे जी इन बारह के मुकाबले कॉर्नी लगातार डिफेंस बिल्कुल तैयार नहीं है, उसका फायदा क्या है के लिए
को भी हुआ बढ़त इस समय डिफेंस करने वाले टीम में एससीबी को सका के पास है और बिल्कुल उसको पुख्ता करते चला जा रहा है। फाइनल पंगे ग्रांड फिनाले के इस मुकाबले में थोड़ी सी आपको आत्मता के साथ कबड्डी का खेल को जारी रखना होगा, खासकर डोबरगढ़ की टीम को जितने जल्दी भरपाई करेंगे, ऐसा ना हो धीरे धीरे वो अंकों की फासला पहाड़ नुमा हो जाए और भरपाई करने के लिए आपके पास समय कम पड़ जाए। हालांकि पहले ही आपका खेल है, लेकिन पहले ही आपके खेल में तो आपको उसकी भरपाई करते चला जाना होगा। दूसरे हाफ का खेल इतनी कम अंकों की अंतराल हो जिसकी भरपाई कभी भी किया जा सकता है, उसके रणनीति में सम्मिलित करके चलते चलते बने तब कहीं ज्यादा बेहतर होगा। पिछला रेट और बोनस वाली अंक जरूर था भुवनेश्वरी के लिए, बोनस के टच पॉइंट के लिए नहीं तो आप बोनस के जरिए भरपाई करते चलिए। कितने अंक का नुकसान, बोनस प्लस टू पॉइंट का इशारा हो रहा है। दो खिलाड़ी इकट्ठे गए बोनस के लिए अंक डाला, उसी समय दो खिलाड़ी इकट्ठे आए और तीन अंक का भरपाई हुआ। 7-14 से बढ़कर 7-14 के मुकाबले 7 अंक की बढ़त रह गई है। बॉयज सेक्शन में लेकर चल रहे हैं आपको लाइव जानकारी के लिए। 9 और 8 के मुकाबले बॉयज सेक्शन के मुकाबले इस समय जहां 4 का डिफेंस है दूसरे छोर पर डोंगरगढ़ के कोर्ट के ऊपर आरआर पेंथर इस समय एक अंक ऊपर जरूर पा रहा है एलबी नगर के विरुद्ध, लेकिन वहां से डिफेंस कम नजर आ रहे हैं उनके कोर्ट के ऊपर। प्रहार के ऊपर इस समय नंबर 9 की जर्सी के साथ सुनील अंत में प्रयास जरूर रहा है और रेडर को कालियन का रास्ता दिखा ओवर टाइम रेट पर स्वरूप यह है वो भौचक के रह गए थे रेडर, ओवर टाइम रेट का खामियाजा उनको कालियन का रास्ता दिखाया गया। एक अंक लीड कर माफ कीजिएगा 2 अंक लीड लेकर के चल रहा है इस समय इस ओवर टाइम रेट के फलस्वरूप रेडर को कालियन का रास्ता दिखाया। 2 अंकों की लीड 10 और 8 के मुकाबले डोंगरगढ़ 10 अंक पर वही एलबी नगर 8 अंक पर। इस तरह के उतावलेपन से भी बचना होगा यहाँ से एलबी नगर के डिफेंस को, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अभी पहले हाफ का ही खेल गुजर रहा है, दूसरे हाफ का पूरा 15 मिनट का खेल आने को है, कोई काफी लंबा फासला है नहीं, संयम बरतने की आवश्यकता होगी यहाँ से और संयम बरत जाती है तो मेगा और अंतिम मुकाबले की लड़ाई में तो हम आप सभी जो कबड्डी के चाहते इस समय अंतिम मुकाबला अंतिम लड़ाई जहां को बचा के रखा वहां भी हो रहा है कि कब वो डू आर डाई कर रहा है, जहां से 100 डू आर डाई रेट और बहुत जल्दी आ गए इंतजार की घड़ी समाप्त। क्या वहां से अपने आप को बोनस के लिए क्या एंकर साफ सुथरे तरीके से डाली, ऐसा हुआ नहीं, रेडर आउट का इशारा हो रहा है। 9 अंक पर इस डिफेंस के बदौलत डोंगरगढ़ अपने आप को 9 अंक पर पा रहा है और 16 अंक पर इससे डिफेंस 16 9 के मुकाबले 7 अंक की बढ़ा। बॉयज सेक्शन में 11 9 के मुकाबले आधा अंक है डोंगरगढ़, लेकिन कभी भी हवा हो जाएगी बंधन जी। 11 और 9 के मुकाबले इस समय 2 अंकों की लीड जोड़ते जी पुरुष वर्ग कोर्ट के ऊपर है जहां आर आर पंथर डोंगरगढ़ की टीम लीड कर रही है 2 अंकों से और राधे वर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं। खास खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर है और राधे वर्मा को पहली अंक का रास्ता दिखाया तो अब कहीं जाकर के 2 से बढ़कर 3 अंकों की लीड हो चली है इस समय डोंगरगढ़ के पास। 9 और 12 के मुकाबले 4 खिलाड़ी इस समय कोर्ट के ऊपर है, बोनस ऑफ है इस समय धन्नू के लिए और धन्नू लगातार संवाद अपने टीम के लिए वो अंक जुटाने में लगातार कामयाब होते नजर आए हैं यहाँ से और वो आसमानी क्या 2 मिलियन सुनिश्चित हो रही है। एक बार उसका फायदा वक्त हुए आर आर पंथ डोंगरगढ़ के लिए हुआ है कोठे जी। 9 अंक की बढ़ा छोड़ दे और इतनी चपलता तो होनी चाहिए, जब तक आप फुटबॉल को नहीं चलाओगे खेल में कबड्डी के खेल में
तो जिस तरीके से ट्रेन में फंसाया चालनी में बिल्कुल वैसा लगातार होते भी नजर आएगा। लगातार आप चलाए मान रखिए तब चल करके वो गति जो पकड़ेगा खेल का स्किल जो पकड़ते बनेगा और जितने बनेगा साथ नए समय और आज का डिफेंस टीम कैप्टन ध्यान दें हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं कृपया कोच चेंज कर लें। चप्पल अंतिम सेकंडों का ही खेल है। शेखर समय स्ट्रगल के ऊपर और 18-10 के मुकाबले पहले हाफ का खेल उस पर के कोर्ट के ऊपर संपन्न हो रहा है जहां आठ यहां सिंगल अंक डिफेंस के जरिए लेना तो चाह जरूर नहीं है लेकिन आपको रेड में भी एक लाना होगा। एक अंक की भरपाई 9 अंक की अभी भी बढ़ा वो बढ़ा था बिल्कुल रणनीति के तहत 7 दिखे 6 डिफेंडर मैदान के ऊपर दोनों की चयनबंदी सेफ कॉर्पोरेशन का कबड्डी का वो जुड़ू बनता है 80 अंग्रेजी वर्णमाला का वो अक्षर तीसरा अक्षर और उन्हीं तीसरे अक्षर का जिस तरीके से डिफेंस सचता है मैदान के ऊपर बनते भी है और टूटते भी है। 11-20 के मुकाबले 9 अंक की एक मुख्य बढ़त के साथ दूसरे छोर पर जा रहा है विश्राम के लिए और 9 अंक से पिछड़ने के साथ दूसरे कोर्ट पर आ रहा है डोंगरगढ़ की टीम। सेक्शन की ओर सीधा ले चलिए दूसरे हाफ का खेल 18-13 के मुकाबले 5 अंक की बढ़त वो आर आर पेंथ है डोंगरगढ़ के पास है लेकिन दूसरे हाफ में वो 14 मिनट का लगभग खेल रह गया है और वो 5 अंक की भरपाई जितना जल्दी करेगा वो कबड्डी का खेल गर्माएगा कबड्डी का मैच गर्माएगा दर्शक गर्माएगा अंतिम पंगे और ग्रैंड फिनाले जहां 25,000 वो चमचमाती ट्रॉफी की जो लड़ाई है वो सुनियोजित तरीके से जो लड़ेगा चुनौती को किस तरीके से पेश करेगा आइए वंदन जी नाथ जी। 18-13 के मुकाबले 5 अंकों की लीड है इस समय कोर्टे जी और लीड लेकर के चल रहा है समय आर आर पंथ डोंगरगढ़ की टीम और प्रहार भी उन्हीं के पक्ष में है स्ट्रगल भी उन्हीं के पक्ष में है जहां बीचों बीच एक लंबा सा स्ट्राइक खींचा पैर से स्विप किया कवर के बीचों बीच लेकिन सफलता हाथ लगी रही। अंत में इस समय रेडर ने छोर बदला और छोर बदलने के साथ साथ 30 सेकंड के ऊपर निगाहें हुए और अंत में खाली खींचा अपने कोर्ट के ऊपर। दूसरी ओर इस समय शेखर जिन्होंने लगातार इस लीग के मुकाबले से लेकर के इस अंतिम मुकाबले तक के काफी अंक बटोरे हैं अपने टीम के लिए और अपने टीम को इस मुकाम तक पहुंचाया है और उसके लिए इस समय बैक फुट पर जरूर है उनकी टीम लेकिन समय अभी आने बाकी है और लगभग इस समय 3 मिनट का खेल ही गुजर रहा है उसके पूरे दूसरे हाफ का पूरा खेल अभी आने को है पूरा समय आने को है उसमें किस तरह से खेल गुजरती है संयम बरत करके किस तरह से खेल जाएगी इस समय एलबी नगर की टीम ये देखने वाली बात होगी। कोर्टे जी दूसरे हाथ में खेल का कांग्रेस पहला रन ले रही है इस समय मैदान के ऊपर 4 का डिफेंस एक ऑल आउट का धनीत पर जरूर है लेकिन उसके लिए कावेरी का एक सुपर टेकल का मौका लंबा ले लंबा डाई और मौका जरूर बना था अंत में 3 खिलाड़ी इकट्ठे आए केस को पूरा किया मैदान के ऊपर और 21वें अंक पर जा रहा है डिफेंस की बदौलत एससीबी को सदा की टीम और 11 अंक पर डोंगरगढ़ समय तो जाया करना दूसरे हाफ पर खेल है और उनके पास एक महत्वपूर्ण बढ़त भी है जिस बढ़त के साथ वो आत्मविश्वास से लबरेज है इस समय सामने वाले एससीबी क्विल सिक्योरिटी जैसे जैसे समय गुजरेगा मुसीबत का पहाड़ बिल्कुल डोंगरगढ़ के उन खिलाड़ियों के ऊपर उनके सर के ऊपर गुजरेगा भुवनेश्वरी के कंधे पर हो जवाबदारी जिम्मेवारी जोखिम लेने की आवश्यकता और उस डिफेंस से आपको बाहर भी आने हैं अंदर जाइए स्ट्रगल में उतरिए यहीं से आप वो साहस और जज्बे और जुनून का परिचय दीजिए कबड्डी के खेल में एम्प्टी रेट वो एक एक रेट और थोड़ी थोड़ी जो समय है वो आपको वो अंक की बढ़त सामने वाले टीम के पास है खाली रेट बिल्कुल मुसीबत और बढ़ाएगा उतरिए
मौका लग गया एक के, एक सुपर सब डुबार रेड डल गया तो रह जाएंगे दो या तीन, दो ही खिलाड़ी। तो ऐसा कर गुजरिए, आप खाली रेड में विश्वास मत कीजिए। अगर आप डुबा डाई रेड में खींच कर ले जाएंगे तो उसका पूरा फायदा सामने वाली टीम लेगी। उनके पास मुख्य रेडर, मुख्य हथियार अभी भी है, उनके पास है। अब तो देखिए डुबा डाई रेड में सफल हाथ लग गए सामने वाले रेडर को। इधर से डुबा डाई रेड आप उसी पर मिलेंगे अपने आप को। बोनस के लिए आप ट्राई कीजिए और फेक बोनस भी दीजिए जहां का रेंजर तो और लेग फायर किया चांदनी के ऊपर, थोड़ी सी हिलाने डुलाने की काम करने थे, अंत में आपने ऐसा किया नहीं और 11 पॉइंट के लीड में बढ़ा जो है बिल्कुल ऑल आउट दूसरी मरतबा दलील पर पहुंच रहा है। तीन खिलाड़ी मैदान के ऊपर, थोड़ी सी टहलेंगे कामनी और सीधे वो 30 सेकंड का दायरा है, उस दायरे को लगातार तकते रहेंगे फिर अपने आप को। इक्कीस और 15 के मुकाबले इस समय पुरुष वर्ग कोर्ट के ऊपर राधे वर्मा नंबर 2 की जर्सी के साथ, जहां उनकी टीम समाप्ति छाड़ रही है। दोनों इस बात का गवाह है कि राजनंद गांव कबड्डी प्रीमियर लीग का मेगा मुकाबला, अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही है दो टीमों के दरमियान। दो दिग्गज टीम आपस में भिड़ंत कर रहे हैं उस पहले स्थान की लड़ाई के लिए। 22 से 15 के मुकाबले ये देखिए इस कॉप्टन की का प्रयास जरूर रहा है। अंततः युवराज ने 30 सेकंड के ऊपर निगाह है घुमाने का प्रयास किया और टाइम आउट बुला भरा हुआ मैदान। बोनस को छोड़ देने की वो इजाजत और इजाजत देने के साथ बोनस को छोड़ के रखा, एक अंक हम डिप्ट कर रहे, उखार कर रहे हैं। अगर उल्टे वो वापस भी आ गए अमीरा तो ऑल आउट का मुख बिल्कुल देखने पड़ेंगे। स्ट्रगल में उतरिए, अंदर जाइए और मौका बने तो वहां से निकलने का प्रयास कीजिए, लेकिन अमीरा को सभी कुछ करने का मौका नहीं दिया सामने वाली टीम ने। इकट्ठे डिफेंस गए और डिफेंस जाने के साथ वो ऑल आउट का दूसरी मरतबा मुख देखना पड़ रहा है। इस समय डोंगरगढ़ की उस टीम को बराज चांदनी इस समय आक्रमण के ऊपर नेट की कमान के साथ और राइट लेडर सिंह फॉर्मेशन का कबड्डी का डिफेंस के व्यू जो है उस पर डिफेंस बिल्कुल बोल बाला नहीं रहा, खासकर डोंगरगढ़ का बोल बाला रहा, टीम की बोल बाला रहा और उन्हीं बोल बाला की बदौलत 11-28 के मुकाबले 17 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त और चालिकता ही रह गई तो उन्हें ज्यादा बेहतर होगा। कावेरी कर क्या रही है आइए राज जी। 22 और 15 के मुकाबले इस समय एलबी नगर स्ट्रगल के ऊपर है, टिकेश के रूप में महत्वपूर्ण रूप से बोनस और डुआ डाई का रेड है इस समय, डुआ डाई का रेड और इस बात का संकेत है क्या टच का अंक सुनिश्चित हो रहे हैं। बोनस कोर्ट के ऊपर देवेंद्र नंबर 1 के जर्सी के साथ दोनों छोर से अच्छा रेड करते नजर आ रहे हैं और थकान जैसे ही घेर के रखेगा टेकल में सफलता हाथ लगेगी डिफेंस को और उसके अच्छा ये काम रहा जो कमजोर कड़ी कौन सा है, एक दूसरे कॉर्नर से मेरा थर रेड ना जा करके कहीं वो कमजोर कड़ी ढूंढने की आवश्यकता रहे। यहाँ पर दो अढ़ाई का रेड रहा और थकने दिया डिफेंस ने रेडर को और थकते ही मौका भुनाया टेकल को पूरा किया अपने कोर्ट के ऊपर। 22 और 17 के मुकाबले शेखर लगातार जब उनके साथी कोर्ट से बाहर हो तो शेखर के कंधे के ऊपर झूला होता है, लेकिन शेखर को उन्होंने दबोच करके रखा अपने कोर्ट के ऊपर और यहां से वो 23 और 17 के मुकाबला अभी भी इस समय आरआर पंथा डोंगरगढ़ के पक्ष में झुका हुआ है और वजन उन्हीं के पक्ष में है। एलबी नगर इस समय वो नपा तुला जिस तरीके से तराजू में जो अंकों की तोल मोल है वो देख पा रहे हैं हम इस समय स्कोर बोर्ड पर। आइए पोर्टे जी 13-30 के मुकाबले 17 अंक की बढ़त पर है समय, इसीलिए
एक्टर्स के पास हो बहुत ही बड़ी बढ़त है। अगर फाइनल पंगे की बात करूं, अंतिम पंगे की बात करूं, ध्यान खिलाने की इस लड़ाई में सीढ़ी चलते चला जाना फाइनल पंगे में, सीढ़ी कौन से के लिए आइए बॉयज सेक्शन में 24-18 के मुकाबले 6 की महत्वपूर्ण बढ़त, लेकिन 6 मिनट से कुछ ऊपर का भी तो खेल रह गया है। अभी भी इनके पास 5 का डिफेंस है मैदान के ऊपर, बोला साफ है इस जगह में उतरने के साथ आपस की तालमेल को बैठाइए, डिफेंस के लिए जाइए और उस अंक की भरपाई एक रेट में हवा होते भी देखने को मिलेगा। 5 या 6 अंक को बड़ी रेट डालते भी देखा आपने कबड्डी के खेल में। 6 का डिफेंस है, बोनस के जरिए उसको भरपाई कीजिए और भरपाई करने के साथ फाइनल पंगे के अंतिम पंगे के वो लड़ाई है, उस लड़ाई में अपने आप को एक पायदान आगे पाइए। बहरहाल वो पैंथर डोंगरगढ़ और एलबी नगर की वो लड़ाई इसी तरीके से आप लगातार उसकी भरपाई करते चले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, खासकर आर आर पैंथर डोंगरगढ़ के लिए 19 और 24 के मुकाबले 5 अंक की बढ़त। राज जी 5 अंक की बढ़त इस समय लगातार डोंगरगढ़ सहज करके रखा है पोर्टे जी। आरआर पैंथर्स की टीम, पैंथर्स लगातार वो अपने छलांग के ऊपर नजर है, उनके उस शिकार के ऊपर नजर है। युवराज इस समय वो शिकार चुनने का प्रयास कर रहे हैं 5 के डिफेंस में, अंत में बिना शिकार के सुनिश्चित खींचा सुरक्षित ढंग से अपने घर के लिए। बालिका कोर्ट के ऊपर जहाँ 13 और 31 के मुकाबले इस समय समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। पोर्टे जी तो 25 और 19 के मुकाबले सुनील का शिकार सुनिश्चित हुआ, अंततः पहले झटके में यह सेंटर लाइन कवर कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं और टच का अंक ना मिल रहा है, उससे थोड़ा सा सहम से गए और सहम के मान करके नहीं खड़ा है कोर्ट के ऊपर, हाथ बांध करके नहीं उतरे है मैदान के ऊपर। सुनील को डिप खींचा अंकल पकड़ के और डिप खींचने के साथ सेंटर लाइन से भर रखा सुनील को, साथ ही साथ दूर कॉर्नर पर स्कॉर्पियन किक का भी सफलता हाथ लगा है। इस समय एलबी नगर एक लगातार पिछड़ कर नजर आ रही है, जहाँ लगातार अंक बटोरने के साथ 27 और 19 के मुकाबला हो चला है। 14-33 बिल्कुल स्पष्ट पा रही है अपने आप को इस समय, ऐसे में कोई सिक्योरिटी फाइनल पंगे में अंतिम पंगे में वो सिकंद बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अभी सिकंद में जाइए फाइनल पंगे और अगर हाथ लग गए तो सोने में सुहागा हो जाएगा और ऐसा करना भी चाहिए। हालांकि बढ़त सामने वाली टीम के पास है जहाँ इस समय रेड हो रहा है, इसी का तो इंतजार हो रहा था। अब इस स्ट्रगल में उतरिए तो सही, साहस के साथ जज्बे के साथ उतरिए, फाइनल पंगा है और फाइनल पंगा हर एक छूट गया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से
डिफेंस गरज रहा है, पैंथर शिकार सुनिश्चित करके काम किया है, जिसके फलस्वरूप 31 और 21 के मुकाबला 10 अंकों का लीड लेकर के चल रहा है। महत्वपूर्ण रूप से वो लीड पैंथरों ने शिकार की बदौलत बना करके रखा है। डिफेंस गरज रहा है इस समय कोर्ट के ऊपर। दूसरी ओर यहाँ से डिफेंस की नजर के एक ओवर से वो दो खिलाड़ी निकल कर गया, लेकिन तीसरा भी सुनिश्चित हो रहा है। यहाँ से आसमानी और तीन उंगलियां सुनिश्चित हो चली है। आप किसने ने कहा औपचारिकता ही रह गई खेल पर, अंतिम पड़ाव पर दो ढाई मिनट का ही खेल रह गए है और फाइनल पंक्ति में थोड़ी सी पिछड़ रहा है इस समय डोंगरगढ़ के लिए। ऐसे ही दोस्त कामनी पुराने मुख्य रेडर और उसी रेडर का इस समय रेड के कमान के साथ लेफ्टिनेंट के रेडर है, वर्क लाइन को सर्टिफाई करने के साथ पार करने के साथ आधा घंटा का मुकाबला 15 का मुकाबला रहा 19 और 35 के मुकाबले इस समय बिल्कुल फेवर आप इससे भी खेल सके ऊपर है मैच। आज पूरा सफल हो गया, कामनी भी अब उसमें हाथ बटाने लग गई है। मैच समाप्ति के लिए अंतिम एक मिनट समय शेष, पुरुष कोर्ट के ऊपर अंतिम एक मिनट का इशारा। आज बोनस को खुला छोड़ दिया टिकेस के लिए नंबर 10 के दर्शी के साथ, जहां इस समय 12 अंकों के एक दर्जन अंक की बढ़त के साथ वो जो है डिफेंस कर रही है आर आर पंचायत डोंगरगढ़ की टीम। दो अढ़ाई का रेड है धन्नो के लिए नंबर 10 की जर्सी के साथ। धन्नो स्ट्रगल के ऊपर, सुपर टेकल का मौका है और सुपर टेकल के साथ साथ ऑल आउट का खतरा भी है। धन्नो लगातार चल रहा है मुकाबले में, चैन के साथ एक मरतबा क्या ध्वज करके रखा इस समय हेलमी नगर के डिफेंस ने। सुपर टेकल कामयाब हो गया कोर्ट के ऊपर, दो तो यहाँ से 22 से बढ़कर के 24 जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी ओर डोंगरगढ़ 35 अंक पर खड़ी हुई है इस समय और लंबा सा लीड लेकर के अंतिम सेकंडों का खेल शेखर नंबर 4 की जर्सी के साथ। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में अब कहीं जाकर के धूमिल सा हो गया है हमारा कर ले।